बच्चों, तो हम लोग आज देखेंगे कंटिन्यूटी का लेक्चर 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो देखिए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है। लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन सच ए वे दैट fx is continuous in closed interval ab, मतलब x equal to a से x equal to b के बीच में fx का ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। दूसरी बात, fa बराबर नहीं है fb के, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर There exist at least a number x equal to c belongs to open interval AB such that fc equal to k, where k belongs to open interval fa to fb। देखिए, इसका मतलब क्या है बच्चों, एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन है, यहीं से देखते हैं, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी दो पॉइंट है, जहां मतलब इसके डोमेन में ए से बी तक लिया गया है, इसका डोमेन ए से लेके बी तक। अब यहां पर हो गया वैल्यू हम लोग का एफ ए, और ये वैल्यू है एक्स इक्वल टू बी पर एफ बी, ठीक। तो ए से बी के बीच में अगर एक पॉइंट हम लोग इस ग्राफ पर लेते हैं एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी एक पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं, तो इस सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक वाई वैल्यू यहां पर मिल रहा है एफ सी इक्वल टू के। यही इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ग्राफ कहीं टूटा नहीं है, और ए और बी के बीच में है, जहाँ ए और बी क्लोज इंटरवल है, इस दोनों के बीच में एक पॉइंट हम लोग को सी मिलेगा, जिस पॉइंट पर, अब वो कम से कम एक पॉइंट होगा, ज्यादा भी मिल सकता है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक्स इक्वल टू सी, कम से कम एक पॉइंट मिला जिस पॉइंट पर एफ सी का वैल्यू, यानी एक्स इक्वल टू सी के करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू जो है के मिला, और वो के इस दोनों के बीच में, ठीक। और भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, देखिए मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, और x इक्वल टू ए यहाँ है और x इक्वल टू बी यहाँ है, और भी इसको बढ़ा लीजिए, x इक्वल टू बी यहाँ कर लीजिए, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ठीक। अब इसके बीच में ए से बी के बीच में ग्राफ को यहाँ कर दीजिए, ए से बी के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ए से बी के बीच में बहुत सारा ऐसा पॉइंट हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये हो गया वैल्यू आपका एफ ए, ये वैल्यू हो गया आपका एफ बी, इसके बीच में एक पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर का कोई वैल्यू लें, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखिए एक्स का, अगर यहाँ पर हम लोग एक्स इक्वल टू सी वन लें, यहाँ x इक्वल टू सी टू लें, x इक्वल टू सी थ्री लें, तो इस तरह का जितना भी वैल्यू लेंगे करस्पॉन्डिंग हम लोग को यहाँ पर k एक वैल्यू मिलेगा, y इक्वल टू k, इस दोनों के बीच में एक वैल्यू k मिलेगा। और यहाँ पर पॉइंट देखिए इसलिए लिखा है एटलीस्ट, कम से कम एक पॉइंट, देखिए यहाँ एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट पर ये वैल्यू के जो है इस दोनों के बीच में है। लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करने में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। जैसे देखिए
अगर ग्राफ टूट जाए, मान लीजिए ये एक फंक्शन है, यहाँ देखिए एक फंक्शन है, यहाँ पर आप ले रहे हैं, यहाँ पर आप ले ले रहे हैं x इक्वल टू ए सपोज कीजिए, और यहाँ पर आप ले रहे हैं x इक्वल टू बी। तो x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको मिल रहा है, x इक्वल टू बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ कुछ वैल्यू मिल रहा है, लेकिन x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर आपको y का कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी एफ जीरो आपको मिलेगा ही नहीं एफ ए और एफ बी के बीच में, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एट x इक्वल टू जीरो एफ एक्स इज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो एफ जीरो आपको इस दोनों इंटरवल के बीच में कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए बच्चों, अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम देखते हैं बच्चों, इसका नाम है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, और स्ट्रास थ्योरम। तो क्या है ये, इफ ये बोलता है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन देयर लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू मस्ट बी एग्जिस्ट। इसका लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू मस्ट बी एग्जिस्ट करेगा, दैट इज द फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड। फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा, बाउंडेड फंक्शन उसको कहते हैं जिसका रेंज फिक्स हो, ठीक है। तो आप देखिए नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई फंक्शन जो है ए से बी के बीच में आपको कंटिन्यूअस करना है, कैसे भी आप लेके आपको जाना है, ग्राफ टूटे नहीं और ए से बी के बीच में आप जाइए, कैसे भी करके आप जाइएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू आपको मिलना ही है। छोटा वैल्यू को एम रख रहे हैं, बड़ा वैल्यू को एम रख रहे हैं कैपिटल एम। तो आप एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक गए हैं, इस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो इसमें आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलना ही मिलना है। एम और एम ये दोनों फाइनाइट फिक्स्ड नंबर है, ठीक है। तो यही बोलता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इसका लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको श्योर मिलेगा, ठीक है। अगला थ्योरम देखते हैं बच्चों, और वो ज्यादातर सवाल में यूज होता है, तो देखते हैं अगला थ्योरम। अगला थ्योरम है बोलजानोस थ्योरम। इसको आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट थ्योरम, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब हुआ बच्चों दो नंबर के बीच में कोई भी एक नंबर जो है वो नंबर इंटरमीडिएट नंबर कहलाता है, मतलब बीच का कोई नंबर। बोलजानोस थ्योरम क्या कहता है कि इफ एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन सच ए वे दैट fx is continuous in closed interval ab, दूसरी बार fa and fb possesses opposite sign, मतलब fa का जो अगर fa plus है तो fb minus है, fb fa minus है तो fb plus है,
उल्टा पुल्टा साइन है, देन देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए नंबर एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है देखते हैं। मान लीजिए कोई कर्व है और यहां पर कोई पॉइंट आप ले लिए एक्स इक्वल टू ए और यहां पर कोई पॉइंट ले लिए एक्स इक्वल टू बी। इसी तरह का एक और कर्व बना लेते हैं बच्चों, यहां पर एक्स इक्वल टू ए है, यहां पर कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू बी। अब हम लोग यहां पर एफ ए को प्लस बनाए, एफ ए यहां है और एफ बी यहां है, ए से बी तक जाना है हम लोग को, ठीक। तो ए एफ ए पॉइंट यहां रखते हैं, ए एफ ए, ठीक है, और यहां पर कहीं है बी एफ बी, ठीक है, ये बी एफ बी पॉइंट है और ये ए एफ ए पॉइंट है। ए से इस पॉइंट तक जाना है हम लोग को, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो हम लोग कैसे भी जा सकते हैं, तो हम लोग को मस्ट बी देन देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट ए नंबर एक्स इक्वल टू सी। अब ए से बी तक जाने के लिए या तो आप ऐसे चले जाइए डायरेक्ट, तो आपको एक नंबर सी और मिल जाएगा सी। इस पॉइंट पर जो ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी, वहां पर ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स क्या होगा, x एक्सिस पर y जीरो होगा, तो वही लिखा है x इक्वल टू सी के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जीरो है। ऐसा भी देख सकते हैं a को, अब इसको नीचे इसको ऊपर भी कर सकते हैं, तो भी एक बार x एक्सिस को काटेगा ही क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां पर पॉइंट और यहां पर पॉइंट अगर रखे आप और यहां से ऐसे खींच दिए कोई भी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना हो उसको भी आप खींच दीजिएगा, तो ये हो गया ए एफ ए और ये हो गया बी एफ बी, ठीक है। यहां पर क्या है, एफ ए जीरो से बड़ा है क्योंकि वाई एक्सिस के प्लस में है और एफ बी क्या है वाई एक्सिस के नीचे है, तो ये लेस देन जीरो है। तो ये दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ग्राफ कहीं टूटा नहीं और एफ ए प्लस है एफ बी माइनस है। यहां क्या है, एफ ए निगेटिव है और एफ बी पॉजिटिव है और ए से बी के बीच में फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं हुआ इसका ग्राफ, तो इसके बीच में एक पॉइंट आपको मिल गया एक्स इक्वल टू सी, जिस जगह पर वाई क्या होगा जीरो होगा, यानी एक्स इक्वल टू सी के करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू यानी एफ सी का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को एग्जैक्ट एक वैल्यू मिला, एक से ज्यादा भी मिल सकता है। आप देखिए इस ग्राफ को लीजिए, यहां पर मान लीजिए पॉइंट ए है, ए एफ ए है और ये पॉइंट है बी एफ बी है, तो अब यहां से यहां हम लोग को जाना है, तो हम लोग कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहां पहुंच गए, ठीक है। तो देखिए यहां पर कितना पॉइंट मिला, एक से ज्यादा पॉइंट है, ठीक है, यहां एक से ज्यादा पॉइंट है। ये c इक्वल टू सी वन, c इक्वल टू सी टू, c इक्वल टू सी थ्री, c इक्वल टू सी फोर, c इक्वल टू सी फाइव, इतना पॉइंट आपको मिल रहा है a और b के बीच में, जहां एफ ए निगेटिव है और एफ बी पॉजिटिव है। आप उल्टा करके भी बनाइएगा तो भी आपको कम से कम एक तो मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। तो यही इस थ्योरम का कहना है, ठीक है। ये थ्योरम जो है इससे हम लोग रूट निकालने में, रूट का क्या वो रूट होगा, कितना रूट होगा, कितना रूट नहीं होगा, रियल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी हम लोग को बोलजानोस थ्योरम से पता चलता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब है कि फंक्शन का ग्राफ टूटा नहीं होना चाहिए ए से बी के बीच में, और जो ये दोनों जो एक्सट्रीम वैल्यूज है एक्स का, उस जगह पर फंक्शन का वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है। अगर ऐसा है तो हम लोग को कम से कम एक्स एक्सिस पर कुछ ऐसा पॉइंट ग्राफ का मिलेगा, यानी रूट, एक्स इक्वल टू सी क्या है, इस फंक्शन का रूट है, कम से कम एक रूट जरूर मिलेगा ए और बी के बीच में, जहां पर एफ सी जीरो होगा। एफ सी जीरो होने का मतलब यह है कि सी उस फंक्शन का रूट है, ठीक है। और इसके बाद एक और थ्योरम पढ़ते हैं बच्चों, उसको देखते हैं। इसी का सब इंटरमीडिएट थ्योरम का ही एक्सटेंशन है बच्चों, ये भी उसी का एक एक्सटेंशन है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला थ्योरम।
अब देखिए क्या है, थ्योरम फोर। मान लीजिए कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और एफ ए बराबर नहीं है एफ बी के, ठीक है। तो यहां पर आप कोई पॉइंट दे दिए एक्स इक्वल टू ए और यहां पर कोई पॉइंट दे दिया आप एक्स इक्वल टू बी और इसके बीच में कोई भी मनगढ़ंत ग्राफ खींच दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर आपको एक वैल्यू मिल जाएगा एफ बी और यहां पर आपको एक वैल्यू मिल जाएगा एफ ए, ठीक है। तो एफ ए और एफ बी मिल गया, यानी यहां का कोऑर्डिनेट अगर आया तो आएगा जीरो एफ ए और यहां का कोऑर्डिनेट आएगा जीरो एफ बी, ठीक है। तो इसके बीच में एक पॉइंट मिलेगा एक्स इक्वल टू सी जिसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक वैल्यू मिलेगा आपको एफ सी और इसको आप बोल सकते हैं यहां का कोऑर्डिनेट है जीरो एफ सी। क्या ये पॉइंट, अगर इसको हम ए माने, इसको बी माने, इसको सी मान लें, तो ये पॉइंट ए सी लाइन का, ए सी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये बी पॉइंट ए सी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये रेशियो है एम और ये रेशियो है एन, ठीक है। ये बी पॉइंट, देन देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए नंबर, एटलीस्ट ए नंबर एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू के और ये के बिलोंग्स कर रहा है एफ ए से एफ बी के बीच में। ये तो पुराना वाला ही जो पहला मीन वैल्यू थ्योरम था वही है। अब ये नंबर जो के है हियर के या एफ सी बराबर के डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन जीरो एफ ए और जीरो एफ बी इंटरनली, ठीक है। ये जो पॉइंट है बी, ये ए और सी को मिलाने वाला लाइन जो है, यानी ये और ये, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं कोई रेशियो एम इज टू एन है, ठीक है, जहां एम और एन दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, एफ सी का वैल्यू हो जाएगा, यानी वाई का वैल्यू एम एक्स एम वाई टू एंड एम एफ ए प्लस एन एफ बी बाय एम प्लस एन, जहां एम और एन दोनों जीरो से बड़ा नंबर है, ठीक। तो जितना भी थ्योरम है फर्स्ट थ्योरम का ही सारा एक्सटेंशन है बच्चों, ये भी थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम जो है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम उसी का एक्सटेंशन है। यहां पर हम लोग को x इक्वल टू सी मिल चुका था, अब ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग वाले पॉइंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है क्योंकि इसके बीच में है, ये बीच मतलब मीड पॉइंट पर नहीं है, कहीं इधर उधर हो सकता है, मीड पॉइंट पर भी हो सकता है अगर m इज टू n 1 इज टू 1 हो जाए, लेकिन यहाँ हम लोग पार्टिकुलर केस नहीं लेके चले, मान लेते हैं ये रेशियो m इज टू n है, तो एफ सी का वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लिए हम लोग, ठीक है बच्चों। तो ये सब जितना भी थ्योरम है इस पर आधारित हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, इस सवाल को देखने के बाद आपको इस थ्योरम पर कमांड हो जाएगा, तो देखते हैं हम लोग कुछ सवाल। तो बच्चों देखते हैं इस थ्योरम पर आधारित कुछ सवाल, तो पहला नंबर सवाल देखते हैं, ये बोल रहा है शो दैट द पॉलीनोमियल ये इक्वेशन दिया हुआ है इसका रूट यानी इसका सॉल्यूशन 1 और 2 के बीच में है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर यूज जो होता है बच्चों वो बोलजानोस थ्योरम ही यूज होता है, इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं। तो इसमें हम लोग एक फंक्शन सेलेक्ट कर लिए fx और इसमें जो RHS है उसको लेफ्ट में ले आइए, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 20, ठीक है। ये एलजेब्रिक पॉलीनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस है, तो पहला शर्त क्लियर हो गया कि कंटिन्यूअस होना चाहिए,
एफ वन का वैल्यू देखें तो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1 माइनस 20, 1 माइनस 5 प्लस 17 माइनस 20, ये हो गया 18 माइनस 25 माइनस 7 हुआ। और एफ टू निकालते हैं तो 2 क्यूब 5 इंटू 2 का स्क्वायर 17 इंटू 2 माइनस 20, ये हो गया 8, ये हो गया 20, ये हो गया 34 माइनस 20, ये हो गया 42 माइनस 40, यानी हो गया 2। देखिए ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कैसा भी फंक्शन रहा होगा जो कंटिन्यूअस रहा होगा 1 से 2 के बीच में, उसमें 1 पर वैल्यू नेगेटिव है और 2 पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो फ्रॉम बोलजानोस थ्योरम देयर मस्ट बी एग्जिस्ट रूट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2। ठीक है, अब सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, क्या बोलता है एलजेब्रिक पॉलिनोमियल। देखिए ये भी एक एलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक एलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूअस होगा ही। ठीक है, अब एफ एक्स एक वैल्यू ये देता है इस इंटरवल में, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना टेक्स द वैल्यू इतना, यानी एफ एक्स का एक वैल्यू ए प्लस बी बाई टू है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि एफ एक्स इज एन एलजेब्रिक पॉलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस इन ए बी। अब हम लोग एफ ए निकालते हैं, एफ ए अगर निकाले तो ए इसमें भरिएगा ये जीरो हो जाएगा, बचेगा ए, और एफ बी निकालेंगे तो ये होगा बी। ठीक, यहां पर बच्चों बी बड़ा है ए से, तो ओपन क्लोज इंटरवल में हम लोग लिख ही रहे हैं, तो ये वाला नंबर जो राइट का नंबर होता है लेफ्ट से बड़ा होता है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग एक फंक्शन जी एक्स इक्वल टू, यहां पर क्या बोल रहा है कि ये एफ एक्स का ही एक वैल्यू है, ये एफ एक्स का ही एक वैल्यू है, यानी एफ एक्स बराबर यहां बोला गया है एक वैल्यू ये होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लेफ्ट में ले आइए और एक फंक्शन जी एक्स सेलेक्ट कर लीजिए, तो जी एक्स का वैल्यू क्या हो गया एफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू। इंटरमीडिएट थ्योरम का सवाल बनाने के लिए जब भी कोई फंक्शन का वैल्यू बोले कुछ आ रहा है, आप उसको लेफ्ट में ले जाके एक नया फंक्शन बना लीजिए। अब देखिए यहाँ जी ए क्या होगा एफ ए माइनस ए प्लस बी बाई टू, और एफ ए का वैल्यू था ए माइनस ए प्लस बी बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a में a गया, a बचा a माइनस बी बाई टू। अब देखिए a छोटा है b से, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा लेस देन जीरो। जी बी निकालेंगे क्या हो जाएगा एफ बी माइनस ए प्लस बी बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ बी का वैल्यू b है, ये हो जाएगा b माइनस ए बाई टू, और ये जीरो से बड़ा है। तो देखिए बोलजानोस थ्योरम से क्या हुआ, ये जो जी एक्स फंक्शन है वो तो कंटिन्यूअस हुआ है क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, ये कांस्टेंट है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अब देखिए यहाँ जी ए का वैल्यू निगेटिव है और जी बी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ए से बी के बीच में एक वैल्यू ऐसा हुआ होगा जहां पर हम ऊपर इरेज करते हैं बच्चों। सो फ्रॉम बोलजानोस थ्योरम देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए नंबर एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी वेयर एफ सी इक्वल टू जीरो, सॉरी यहाँ जी सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फंक्शन हम लोग जी एक्स माने हैं, तो जी सी का वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा एफ सी माइनस ए प्लस बी बाय टू इक्वल टू जीरो, यानी एफ सी का वैल्यू हो गया ए प्लस बी बाय टू। यही प्रूव करना था बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3।
देखिए यहाँ दिया है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से दिया हुआ है। तो प्रूव करना है ये पूरा एक्सप्रेशन का रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा। हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो है एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस टू इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है। अब हम लोग एफ ए निकालते हैं, एफ ए निकालें तो देखिए यहाँ ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा टू इंटू ए माइनस बी और ए माइनस डी। ए बड़ा है बी से तो ए माइनस बी पॉजिटिव होगा, ए बड़ा है डी से तो ए माइनस डी पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। एफ बी निकालेंगे, बी निकालेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। अब बी माइनस ए ये निगेटिव होगा और बी माइनस सी ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि बी बड़ा है सी से, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक। एफ सी निकाले, एफ सी निकालेंगे तो ये जीरो होगा, ये बचेगा टू इंटू सी माइनस बी और सी माइनस डी, टू इंटू सी माइनस बी क्या है, सी माइनस बी देखिए क्या है, सी बड़ा है बी बड़ा है सी से, तो सी माइनस बी हो जाएगा निगेटिव और c माइनस डी ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये बचेगा निगेटिव। और एफ डी निकालें, एफ डी निकालेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा d माइनस डी, यहाँ बचेगा d माइनस ए इंटू डी माइनस सी। अब देखिए d बड़ा है या छोटा है a से, तो a बड़ा है d से तो d माइनस ए क्या हो जाएगा निगेटिव और d माइनस सी भी हो जाएगा निगेटिव, तो ये बचेगा पॉजिटिव। अब देखिए आप यहाँ ए से बी के बीच में एफ ए पॉजिटिव है एफ बी निगेटिव है, तो एक रूट यहाँ आ जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। इसके इसके बीच में कोई रूट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम साइन है, यहाँ अपोजिट साइन हो रहा है तो एक रूट यहाँ आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसका दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहा है। अब एक चीज और देखें कि एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका दो गो रूट आएगा और दोनों क्या होगा रियल और डिस्टिंक्ट होगा। यहाँ पर बच्चों हम लोग बोलजानोस थ्योरम लगाए हैं और उसी के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि एटलीस्ट कितना रूट आएगा। अब यहाँ एटलीस्ट आने का काम खत्म हो गया क्योंकि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है तो इसका दो रूट ही होता है। सो इट हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। अगर ये मान लीजिए ट्राइनोमियल रहता और हम लोग को यहाँ पर दो गो रूट मिलता तो हम लोग बोलते कि एटलीस्ट टू रियल रूट है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में दो गो ही रूट होता है तो, और यहाँ दो रूट निकल चुका है जो रियल और डिस्टिंक्ट है, वही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर फोर। सवाल नंबर फोर में बोलता है एक फंक्शन है जो रियल नंबर पर डिफाइन है और कंटिन्यूअस भी है और ऑन टू भी है, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। एफ आर से आर में डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन ऑन टू भी है, ठीक है। और यहां भी दिया है माइनस ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब एफ एक्स क्या है ऑड फंक्शन है, एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। और ये कुछ डाटा दिया है कि एफ माइनस थ्री है टू के, एफ माइनस वन है माइनस थ्री के, एफ फाइव है फोर के, और ये जितना भी फंक्शन है एफ एक्स उसमें एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है माइनस फाइव से फाइव तक, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप माइनस थ्री यहाँ रखते हैं एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर आप माइनस थ्री भर दीजिए तो यहाँ क्या मिलेगा माइनस ऑफ एफ माइनस ऑफ माइनस थ्री, एफ माइनस थ्री इक्वल टू माइनस ऑफ एफ थ्री
तो एफ थ्री का वैल्यू क्या मिल गया आपको, माइनस ऑफ एफ माइनस थ्री, ठीक है, यानी माइनस ऑफ टू। मतलब अगर एफ थ्री आपको मिल रहा है, एफ माइनस थ्री मिल रहा है टू, तो एफ थ्री मिल रहा है आपको माइनस टू, ठीक है। तो हम लोग इस सारे पॉइंट को अगर एक ग्राफ में देखें बच्चों, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, सबसे पहला पॉइंट x इक्वल टू फाइव पर y इक्वल टू फोर मिल रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हम लोग फाइव फोर, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग f माइनस फाइव पर माइनस फोर मिलेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग माइनस फाइव माइनस फोर, ठीक है। माइनस फाइव के बाद माइनस थ्री पर देखते हैं, माइनस थ्री पर वैल्यू है टू, है ना, तो x इक्वल टू माइनस थ्री पर वैल्यू टू है, तो कहीं यहाँ ले लेते हैं माइनस थ्री टू, ठीक। उसके बाद माइनस वन माइनस थ्री मिल रहा है एक पॉइंट, तो माइनस थ्री माइनस वन कहीं यहीं होगा, उसको ले लेते हैं माइनस थ्री माइनस वन, ठीक है, थोड़ा इधर ही रखते हैं माइनस थ्री माइनस वन। अब माइनस थ्री के बाद अगर देखें तो वन में भी मिलेगा हम लोग को वन थ्री, एक्स इक्वल टू वन अगर भरिएगा यहाँ पर, तो x1 का मान x इक्वल टू वन पर जिस तरह यहाँ पर वैल्यू भरे थे उसी तरह यहाँ पर आप x इक्वल टू वन ले लीजिए, x इक्वल टू वन पर वैल्यू मिलेगा आपको वन थ्री, तो यहाँ पर एक वैल्यू ले लीजिए आप वन थ्री, अपने अंदाज से कहीं कुछ से कुछ खींच लीजिए वन थ्री। उसके बाद थ्री पर x इक्वल टू थ्री पर y इक्वल टू माइनस टू मिलेगा आपको, x इक्वल टू थ्री पर y इक्वल टू माइनस टू, तो कहीं यहाँ खींच लीजिए थ्री पर माइनस टू। अब इसको हम लोग फ्री हैंड से मिला देते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस बोल दिया गया है, तो हम लोग इसको मिला देते हैं। तो देखिए इसमें क्या गो रूट हुआ, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर आपका वैल्यू है x इक्वल टू माइनस फाइव और ये प्लस फाइव, और ये वैल्यू है x इक्वल टू माइनस फाइव। तो आप देखिए बच्चों, आपको जो रूट मिला है माइनस फाइव से फाइव के बीच में वन टू थ्री फोर फाइव, यानी आपको इसमें फाइव रूट मिलेगा, और वो एटलीस्ट है मिनिमम नंबर ऑफ रूट फाइव, ज़्यादा भी मिल सकता है, ये तो हम लोग अंदाज से खींचे, ठीक है, आपको ज़्यादा भी रूट मिल सकता है, ठीक है। तो मिनिमम आपको फाइव रूट मिलेगा, अगर आप पॉइंट डिसाइड करके स्ट्रेट लाइन खींचें तो आपको फाइव रूट मिलेगा, कर्व अगर खींचने लगिएगा तो बहुत सारा रूट मिलेगा। यहाँ बोला था मिनिमम नंबर ऑफ रूट, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट लाने के लिए आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूट मिलेगा, ज़्यादा रूट लाने के लिए आप कर्व ड्रॉ कीजिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूट मिलेगा, तो बहुत सारा रूट मिलेगा, लेकिन यहाँ हम लोग से पूछा गया था मिनिमम नंबर, ठीक है बच्चों। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर फोर। सवाल नंबर फोर देख ही चुके बच्चों, सॉरी सवाल नंबर फाइव देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर फाइव क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और दिया हुआ है आपको एफ एक्स, एक क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है और दिया है एफ जीरो इक्वल टू एफ वन इक्वल टू जीरो, ये भी दिया हुआ है। अब प्रूव करना है कि एफ सी का वैल्यू वन माइनस टू सी स्क्वायर होगा और सम वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू जीरो वन। अब यहाँ पर हम लोग इसको लेफ्ट में ला के कोई फंक्शन रिज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए जी एक्स इक्वल टू है, सबको लेफ्ट में लाइए, एफ एक्स प्लस टू सी स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, सबको लेफ्ट में ले आए। अब यहाँ से देखिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक एलजेब्रिक पॉलीनोमियल है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ भी एक कंटिन्यूअस होगा, तो जी एक्स जो हो रहा है वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो रहा है जीरो से वन के बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जी वन का वैल्यू निकालते हैं, या पहले जी जीरो का वैल्यू निकाल लीजिए, जीरो से वन के बीच में दिया, ये हो जाएगा एफ जीरो प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस वन, एफ जीरो का वैल्यू जीरो है, जीरो माइनस वन यानी माइनस वन हो गया जो लेस देन जीरो है। जी वन निकालते हैं, जी वन क्या हो जाएगा एफ वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन,
और एफ वन है जीरो और ये हो गया टू माइनस वन यानी वन, यानी ये जीरो से बड़ा हो गया। तो अब देखिए बोलजानो थ्योरम से क्या हुआ कि जीरो से वन के बीच में एक नंबर सी एटलीस्ट जरूर मिलेगा, है ना, फ्रॉम बोलजानो थ्योरम। थ्योरम देयर मस्ट बी एक्सिस्ट एट लीस्ट ए नंबर एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू जीरो टू जीरो टू वन वेयर एफ सी इक्वल टू जीरो, सॉरी जी सी इक्वल टू जीरो, फंक्शन जी एक्स ना। अब जी सी अगर निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, एफ सी प्लस टू सी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एफ सी का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, वन माइनस टू सी स्क्वायर और ऑल सी बिलोंग्स टू जीरो टू वन, प्रूव हो गया बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर सिक्स। सवाल नंबर सिक्स देखें बच्चों, तो बोल रहा है एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन और एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए टू बी, ये एक्सप्रेशन दिया, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ठीक है देखते हैं हम लोग ये दिया हुआ है कि ए से बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं एक्स इक्वल टू ए हुआ होगा और ये पॉइंट मान लेते हैं कहीं एक्स इक्वल टू बी हुआ होगा, ठीक है, और एक कोई भी फंक्शन का ग्राफ खींच लेते हैं, फंक्शन दिया है नहीं, इसके बीच में एक पॉइंट रखते हैं एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू मिलेगा एफ ए और यहाँ फंक्शन का वैल्यू मिलेगा एफ बी, ठीक। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो एफ बी और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो एफ ए और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ सी, जीरो और एफ सी, ठीक है। अब बोल रहा है सम सी बिलोंग्स टू ए बी, देखिए ए और बी के बीच में सी है, जहां पर ये रिलेशन ट्रू या फॉल्स है। तो देखिए एफ सी जो है इस पॉइंट ए, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, एफ सी जो है यानी ये पी पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ए और बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इससे हम लोग ये चीज लाने का कोशिश करते हैं, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फाइव एफ सी का वैल्यू है बच्चों थ्री एफ ए प्लस टू एफ बी, तो यहां से एफ सी का वैल्यू थ्री एफ ए प्लस टू एफ बी बाय थ्री प्लस टू लिख सकते हैं फाइव को। तो देखिए एम एक्स टू एन एक्स वन या एम वाई टू एन वाई वन बाय एम प्लस एन, ये क्या है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन से ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट सी है वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रू है, ठीक है। सवाल नंबर सेवन देखते हैं बच्चों, एफ एक्स का वैल्यू टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस वन और ये फंक्शन एलजेब्रिक पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस होगा। अब बोलता है कि आइडेंटिफाई कीजिए ये चार ऑप्शन में से कि एटलीस्ट वन रूट किसमें किसमें होगा, तो सब वैल्यू निकालना होगा। एफ जीरो निकालिए, एफ जीरो वन हो गया यानी जीरो से बड़ा हो गया। एफ वन निकालिए, एफ वन का वैल्यू टू माइनस सिक्स प्लस वन, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। एफ टू निकालिए, एफ टू का वैल्यू हो गया टू इंटू टू का क्यू माइनस सिक्स इंटू टू प्लस वन यानी 16 माइनस 12 प्लस 1 यानी ये जीरो से बड़ा हो गया, ठीक है। एफ माइनस वन निकालें, माइनस वन भी दिया हुआ है, माइनस वन निकालिए, माइनस वन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस सिक्स प्लस वन यानी ये जीरो से बड़ा हो गया, ठीक है। एफ माइनस वन पर ये जीरो से बड़ा हो गया। अब वैल्यू एक आता है एफ माइनस टू, एफ माइनस टू में अगर देखें ये हो जाएगा माइनस एट प्लस ट्वेल्व प्लस वन यानी ये जीरो से बड़ा हो गया, ठीक। एफ टू में भी जीरो से बड़ा हो गया। एफ माइनस टू का वैल्यू देखिए बच्चों क्या होता है, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ माइनस सिक्सटीन होगा बच्चों, माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व प्लस वन ये जीरो से छोटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व प्लस वन जीरो से छोटा हो जाएगा। तो अब देखिए
बोलजानोस थ्योरम से फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये दोनों का साइन अपोजिट है, तो इसके बीच में एक रूट मिलेगा हम लोग को जीरो से वन के बीच में। तो ये ऑप्शन सही हो गया, जीरो से वन के बीच में है। फिर देखिए वन से टू के बीच में, इसमें भी अपोजिट साइन है, एक लेस देन जीरो एक ग्रेटर देन जीरो, तो वन से टू के बीच में भी हम लोग को मिलेगा। अब माइनस वन से जीरो के बीच में देखते हैं, माइनस वन और जीरो के बीच में सेम साइन है, तो कोई रूट इसमें नहीं मिलेगा, तो ये गड़बड़ है। डी नंबर में अगर देखें तो माइनस टू से माइनस वन के बीच में अपोजिट साइन है, तो एक रूट मिलेगा, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और अब लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों। और बच्चों आज का लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। यह है एफएक्स का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और प्रूव करना है कि एफएक्स का एक वैल्यू ये होगा, एफएक्स का वैल्यू ये होगा फर्स्ट टर्म एक्स बिलोंग्स टू 1, 2। तो यहां से देख लीजिए आप, पहले एफएक्स क्या है, एक्स माइनस वन माइनस कॉस पाई एक्स, ऐसा लिख दिए। क्या ये एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है और ये एक कोसाइन फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो एफ एक्स हम लोग इसको कंसीडर कर लीजिए। अब क्वेश्चन में बोला है क्या कि एफ एक्स का एक वैल्यू 1/e है, ऐसा क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि एफ एक्स का 1/e एक वैल्यू है, तो आप इसको लेफ्ट में ले आके एक नया फंक्शन कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, यही तरीका है इसके साथ इंटरमीडिएट थ्योरम का सवाल बनाने का। तो जी एक्स इक्वल टू क्या कंसीडर कीजिए, एफ एक्स माइनस 1/e, कहाँ से कहाँ तक में बोला है, 1 से 2 के बीच में, तो आप g1 रखिए, g1 क्या होगा, f1 माइनस 1/e। अब f1 यहाँ बैठाइए, f1 क्या हो जाएगा, यानी f1 निकाल दीजिए, 1 माइनस 1 माइनस cos pi x, यानी cos pi, 1 कैंसिल, cos pi का मान माइनस 1 इंटू माइनस, यानी प्लस 1 हो गया। ठीक है, और इसी जगह पर आप f2 भी निकाल लीजिए, f2 का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस 1 यानी प्लस 1 माइनस cos 2 पाई का वैल्यू, cos 2 पाई का वैल्यू 1, ये हो गया 0। तो यहीं से आप वैल्यू भर दीजिए, f1 का वैल्यू हो गया है 1 माइनस 1/e, और ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि e का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है, तो ये वैल्यू 1 से हमेशा कम होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, तो 1 माइनस 1 से कम, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब g2 निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई, f2 का वैल्यू देखिए क्या है, 0 माइनस 1/e, यानी क्या हो गया, निगेटिव। तो फ्रॉम बोलजानोस थ्योरम देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए नंबर x इक्वल टू c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2 such that fc equal to gc equal to 0, क्योंकि फंक्शन आप जी एक्स कंसिडर किए। अब gc निकालिए, gc का मान हो जाएगा fc माइनस 1/e, और इतना बराबर 0 है, तो fc का वैल्यू क्या हो गया, 1/e, और यही हम लोग को लाना था, और ऑल c बिलोंग्स टू 1 से 2। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूव हो गया। तो कंटिन्यूटी का ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पर ये वीडियो था बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।